एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के डेरिवेटिव्स कैसे कीमो सिलेक्टिविटी शो करते हैं। आफ्टर दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट उसका एक और हमारे रिएजेंट कॉम्बिनेशन देखा गया था सीरियम क्लोराइड के साथ, लुचेस रिएजेंट जिसे कहते हैं, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक सिंथेटिक यूटिलिटी हमने स्टडी करी थी। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए, सबसे पहला डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिखा है लिथियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह प्रेजेंट नहीं होता है, ये जनरेट करना पड़ता है, सिंथेसाइज करना पड़ता है जब जरूरत हो तभी। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड भी न्यूक्लियोफिलिक है नेचर में, और फर्क क्या है कि सोडियम को हटा के अब यहाँ पे लिथियम मेटल आ चुका है। तो लिथियम मेटल जो है वो चिलेशन बहुत बढ़िया करता है, और अगर वो चिलेशन बढ़िया कर रहा है इट मींस हम यहाँ पे और फंक्शनल ग्रुप्स को भी जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है उन्हें भी रिड्यूस कर सकते हैं। बट ये लिथियम बोरोहाइड्राइड की जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेटिक यूटिलिटी है वो ये कि अगर किसी सबस्ट्रेट में एसिड और एस्टर दो फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो ये एस्टर की रिडक्शन करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं करता। और वही चीज अगर एस्टर और एमाइड के बीच में होगी तो अगेन ये एस्टर को प्रेफरेंस देगा बट एमाइड की रिडक्शन नहीं करेगा। सो दिस रिएजेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ एस्टर ओवर एसिड और एमाइड। अगर किसी एक सबस्ट्रेट में एसिड है, एमाइड है, एस्टर है तो ये एस्टर को चूज करेगा, एसिड और एमाइड पे रिडक्शन नहीं करता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी है। अब इसके अलावा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पे काम करते हैं? एसिड क्लोराइड ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये कंप्लीट रिडक्शन होकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि हाइड्राइड है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की तो ये भी हमारे पास कंप्लीट और रिड्यूस हो सकते हैं अप टू एल्कोहल। अब एस्टर के साथ साइक्लिक एस्टर भी रहता है जिसे हम लैक्टोन कहते हैं, उसकी भी कंप्लीट रिडक्शन पॉसिबल है विद दिस रिएजेंट। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये इन दो फंक्शनल ग्रुप को कभी प्रेफरेंस नहीं देता है, एस्टर को चूज करेगा ओवर एसिड, एस्टर को चूज करेगा ओवर अमाइड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक यूटिलिटी। एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, आपको एक यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, लिथियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट दिया गया है। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड अगर दिया रहेगा तो पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, ये रहा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां हमारे पास प्रेजेंट है एस्टर, तो ऑब्वियस ही बात है लिथियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करेगा एस्टर को और एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। ये अपनी कीमो सिलेक्टिविटी शो करता है सिर्फ और सिर्फ एस्टर के लिए ओवर एसिड और एमाइड, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट थ्रू दिस रिएक्शन। अब एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहूंगी और वो ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि लिथियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस करना है एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड को या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो जनरली किसे प्रेफरेंस दी जाती है? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट भी सेम बन रहे हैं, इसके प्रोडक्ट भी सेम बन रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास लिथियम बोरोहाइड्राइड प्रेजेंट नहीं होता है एज रिएजेंट, ये हमें वहां पे सिंथेसाइज करना पड़ेगा तो उसके लिए हमारा टाइम जाएगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इजिली अवेलेबल होता है। तो अगर ऑप्शन रहे कि दोनों में से किसे चूज करना है तो जनरली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को चूज किया जाएगा इन तीनों के लिए। बट अगर आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि एस्टर की ही स्पेसिफिकली रिडक्शन करनी है ओवर एसिड और एमाइड, आप चाहते हैं एसिड और एमाइड को कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए यही रिएजेंट जाना जाता है जिसका नाम है लिथियम बोरोहाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट रिएजेंट है हमारे पास सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो अब यहां क्या हुआ है कि हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड में चार हाइड्राइड प्रेजेंट थे, इसमें से एक हाइड्राइड को हटा के साइनाइड ग्रुप रख दिया गया है, और साइनाइड ग्रुप हमारे पास कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। अगर साइनाइड ग्रुप रहेगा तो इसकी वजह से इसका नेचर कंपैरेटिवली लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक था उसके कंपैरिजन में अब साइनाइड ग्रुप रहेगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक पावर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा,
तो उसकी वजह से ये हाइड्रेट बहुत इजीली डोनेट नहीं किया जा सकता, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम कर दिया गया है। ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम होने की वजह से क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिले कि सपोज आपके पास वन इक्विवेलेंट सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड दिया है, सबस्ट्रेट में एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, तो वो एल्डिहाइड को चूज करेगा ओवर कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड का नेचर थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो वो इससे हाइड्राइड छीन सकता है आसानी से। ओके, दूसरी बात कीटोन है और एस्टर है, तो ये कीटोन को यहाँ पे रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि कीटोन का इलेक्ट्रोफिलिक पावर एस्टर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, तो वो इससे हाइड्राइड ले सकता है। अब इसके अलावा हमारे पास यानी क्या देख रहे हो कि वो एल्डिहाइड को भी करता है, कीटोन को भी करता है, और किसी कंडीशन में एस्टर को करना पड़ा तो वो कर पाएगा, लेकिन बहुत ही कम यील्ड में। तो हमारे पास ये लिखने का मतलब यहाँ पे यही था कि अगर दो आपके पास सबस्ट्रेट है तो आप ऐसे नहीं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की तरह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस कर दोगे, ये दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस देगा और उसे प्रेफरेंस देगा जिसका इलेक्ट्रोफिलिक पावर ज्यादा है। वैसे ही आपके पास इमीनियम आयन रहता है तो इमीनियम आयन को ये अमीन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज अगर नाइट्रोजन पे रहता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक पावर ज्यादा हो जाती है कार्बन तो नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास क्या रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड एन, तो नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज रहेगा इमीनियम आयन पे तो ये पार्शली पॉजिटिव अच्छा दिखा सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक पावर अच्छी दिखा सकता है, इसलिए इसकी रिडक्शन भी हो जाती है। आप यहाँ पे बात करो उसके फेस की यानी इमीन जिसे आप कहते हैं, तो उसकी भी रिडक्शन हो सकती है अमीन में। फर्क क्या है, या पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, पर जिस तरीके से आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रोफिलिक होता है, वैसे ही आपके पास यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड एन भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखाता है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, तो इसकी भी रिडक्शन होगी अमीन में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड रिएजेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस में देखने को मिलते हैं, और डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस में अगर अभी आपको मैं सिंपली समझाना चाहूं क्या हो रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म हम करेंगे एग्जांपल में, तो वो ऐसे आपके पास सपोज कोई कार्बोनल सिस्टम दिया है, कीटोन दिया है, तो पहले टोसाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करा के टोसाइल हाइड्राजोन बनाया जाता है, जनरली यही यूज किया जाता है क्योंकि इसमें से नाइट्रोजन गैस और टोसाइल ग्रुप दोनों बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं, गुड लिविंग ग्रुप का काम करते हैं, दैट्स व्हाई टोसाइल हाइड्राजीन को यूज किया जाएगा जब कीटोन के साथ, तो बनेगा टोसाइल हाइड्राजोन। और टोसाइल हाइड्राजोन को जब ये रिएजेंट दिया जाएगा सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, तो वो वहां पे हाइड्राइड डोनेट करने का काम करता है, जिसके बाद मैकेनिज्म से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो कार्बोनल वाला सिस्टम था जहां ऑक्सीजन अटैच था, वो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाता है और वहां पे हाइड्रोजन आ जाते हैं, यानी उसका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन हो जाता है। तो हमने यहाँ डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस इसीलिए लिखा है, दैट मींस ऑक्सीजन का रिमूवल। तो ये भी इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके आपको एग्जांपल्स करवाए जाएंगे। इसके अलावा कौन से फंक्शनल ग्रुप पे ये काम नहीं करता है, जिसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कीटोन को एस्टर के ऊपर प्रेफरेंस देगा, तो वही बात है कि अगर आपके पास एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल या नाइट्रो इस तरीके के ग्रुप रहेंगे तो बहुत ही लो यील्ड देखी जाएगी या फिर रिएक्शन ही नहीं देखी जाएगी, क्योंकि पहली बात ये कि हमारे पास जहां पे लो यील्ड है, नेग्लिजिबल के बराबर है, इट मींस वहां पे नो रिडक्शन है, तो आपके पास एस्टर, एमाइड, साइनाइड और या नाइट्राइल कह सकते हो और नाइट्रो ग्रुप पे रिडक्शन नहीं होती है, इसके लिए इसे यूज नहीं किया जाता क्योंकि खुद का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो बहुत इजिली हाइड्राइड एक्सेप्ट करने की पावर नहीं रखते हैं। तो ये तो देखो बहुत सिंपल भाषा में तुम्हें बताती हूँ, ये हाइड्राइड बहुत आसानी से नहीं देना चाहता क्योंकि साइनाइड साथ में बैठा हुआ है, वो रोक रहा है उसे, तो सामने वाले को ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा ताकि वो उससे हाइड्राइड छीन सके, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड कर पा रहा है, कीटोन कर पा रहा है, इमीनियम आयन कर पा रहा है, लेकिन एस्टर, एमाइड और नाइट्राइल और नाइट्रो जैसे ग्रुप जो है वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहेंगे कि वो इनसे हाइड्राइड छीन सके, दैट्स व्हाई इन ग्रुप्स पे रिडक्शन देखने को नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ध्यान से इसे समझिए और सुनिए। तो हम फिर से एक बार बात कर देते हैं,
एल्डिहाइड पे करेगा, कीटोन पे करेगा, इमीनियम आयन पे करेगा, इमीन पे भी करेगा, और डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी रहते हैं, बट एस्टरामाइड नाइट्राइल और नाइट्रो पे इसकी रिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली आपके प्रीवियस ईयर में 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं विद दिस रिएजेंट। सो एग्जाम्पल्स में देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा दिया गया है। फर्स्ट एसिडिक कंडीशन आपको दी गई है, H प्लस आयन दिया गया है, और यहाँ पे अगर एसिडिक कंडीशन मिल रही है तो सबसे पहला काम क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देके फर्दर कॉन्जुगेशन में जहां नेगेटिव चार्ज जा सकता है वहां से प्रोटोनेशन कराएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ये नाइट्रोजन फ्री होता विदाउट कॉन्जुगेशन होता तो अपने लोन पेयर देके इसकी प्रोटोनेशन होती, बट जब ये कॉन्जुगेशन में है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके फर्दर कॉन्जुगेशन जहां तक जाएगी, नेगेटिव चार्ज जहां बनेगा वही प्रोटोनेशन करवाता है। तो इसमें हमारे पास ये बन गया डबल बॉन्ड N, और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे बना नेगेटिव, और यही नेगेटिव H प्लस आयन लेके यहां क्या बना देगा, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन वाली प्रोसेस। यानी फर्स्ट स्टेप जो आपके पास दिया गया है वो दिया गया है फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करा के हमें यहां पे इमीनियम आयन मिल रहा है, और इमीनियम आयन सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड के साथ इजिली रिड्यूस हो जाता है अप टू अमीन, अभी देखा हमने। तो ये फर्स्ट कंडीशन इसीलिए दी गई थी क्योंकि ये सबस्ट्रेट रहेगा तो